नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर यहां पे टीएमसी और ममता बनर्जी के घर से आ रही है। ममता बनर्जी जो कि अपनी पैट अब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में बढ़ाना चाहती थी, उनकी जो ये मंशा है वो पहले खत्म हो चुकी। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट से देखिए टीएमसी का सूपड़ा है वो बिल्कुल साफ हो चुका है। क्यों हो चुका है, मैं पूरी खबर आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि टीएमसी ने अपने नेता, यानी कि जो टीएमसी त्रिपुरा के जो उपाध्यक्ष थे सुबल भौमिक, उनको हटा दिया था। उन पर इल्जाम लगे थे टीएमसी के अंदर ही, क्योंकि टीएमसी देखिए इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में अपनी पैर जमाना चाहती है। जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर जो राज्य हैं उनमें अपनी पैर जमाना चाहती है, और शुरुआत उन्होंने त्रिपुरा से कर दी। अब त्रिपुरा में जहां से शुरुआत की, देखिए वहीं पर इतना बड़ा हंगामा हो गया टीएमसी में कि अपने उपाध्यक्ष को, त्रिपुरा के टीएमसी उपाध्यक्ष को निकालना पड़ गया। उन्हें सुबल भौमिक जो कि उपाध्यक्ष थे टीएमसी के त्रिपुरा के, उन्हें निकालना पड़ गया। अब उसके बाद देखिए, कल शाम को अब्दुल बसीत जो कि टीएमसी के बहुत बड़े नेता माने जाते थे, जिन्होंने त्रिपुरा के टीएमसी को शुरू से खड़ा करा, इतने बड़े स्तर पर ले गए, उन्होंने अपना जो टीएमसी पद से रिजाइन दे दिया। उन्होंने बोला कि देखिए टीएमसी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, और ममता बनर्जी के हवाले से, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो एक डिक्टेटरशिप, यानी कि आप मान सकते हैं कि जो तानाशाह का रूप अपनाती है, उन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी की से पार्टी नहीं चल रही है, वो तानाशाही करती है। तो इसलिए देखिए अब्दुल बसीत, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया है। अब देखिए कि यहाँ पर राजनीति अब शुरू होगी, क्योंकि हर कोई इन दोनों को अपनी अपनी पार्टीज में लेना चाहता है, क्योंकि इन दोनों का ही होल्ड त्रिपुरा में काफी अच्छा है। अब देखना ही होगा कि यहाँ पे आगे क्या राजनीति करते हैं दोनों। लेकिन बड़ी खबर यही है कि त्रिपुरा से टीएमसी का जो पल्ला है बिल्कुल साफ हो गया, सुपड़ा बिल्कुल साफ हो गया है। अब ममता बनर्जी त्रिपुरा में बिल्कुल भी नहीं चुनाव लड़ सकती है, इस स्थिति में नहीं है कोई, क्योंकि उनके दो बड़े नेता टीएमसी से जा चुके हैं। अब देखना ही होगा कि ममता बनर्जी आगे क्या हथकंडे अपनाती है त्रिपुरा को जीतने के लिए, देखना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।